नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीपैट 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जीपैट 2023 का एग्जाम कल यानी 22 मई 2023 को होगा। क्वेश्चन नंबर वन इज फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब इज, ऑप्शन है इंटरफेरॉन, एंटीबॉडी, लैक्टिन, एंटीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एलिसा इज बेस्ड अपॉन एंटीजन प्रोटीन इंटरेक्शन, एंटीबॉडी प्रोटीन इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, लैक्टिन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो एलिसा बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हार्डिन्स मिल इज अ वेरिएंट ऑफ, ऑप्शंस हैं फ्लूइड एनर्जी मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, रोटेटरी कटर मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अमाइंस, ऑप्शंस हैं पारा मिथाइल बेंजाइल, टी बीटोलॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी मिथाइलीन, टेट्राहाइड्रो पाइरिनाइल ऑक्सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी बीटोलॉक्सी कार्बोनिल, टीबॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ अ कार्बोनिल फंक्शनैलिटी डायरेक्टली टू इट हाइड्रोकार्बन इन बेसिक मीडियम कैन बी अचीव्ड बाय, ऑप्शंस हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड जनरेशन बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स कंटेन 1,3,5 थायाडायाजोल रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, ऑप्शन हैं सोटालोल, टीमोलोल, पेनब्यूटोलोल, पिंडोलोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीमोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इज आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शंस हैं सुगर टैब, न्यू टैब, एमडेक्स, एबीसेल। तो इसको कहा जाता है एबीसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ट्वेंटी वन सी एफ आर पार्ट 211 ऑफ यूएस एफ डी ए डिस्क्राइब्स, ऑप्शन है करेंट गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, करेंट गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करेंट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे गैब्रियल रिंग क्लोजर मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1,4-ऑक्साजिन, एजिरिडीन, ऑक्सीरेन, ऑक्साजिरिडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजिरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हेन टू ब्रांड्स ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट गिव सेम क्लिनिकल रिजल्ट इट इज टर्म्ड एज थेरापेटिक इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, क्लिनिकल इक्विवेलेंस। तो ये होता है थेरेप्यूटिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द ग्लाइकोसाइड एस्किलरोसाइड इन रेड स्क्विल एक्ट्स एज, ऑप्शंस हैं इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, एकेरिसाइड, मोल्यूसाइड। तो ये एक्ट करता है एज अ रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इन गैम्बियर फ्लोरोसिन टेस्ट द पेट्रोलियम स्प्रिट लेयर शोज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लोरोसेंस, ब्लू फ्लोरोसेंस, येलो फ्लोरोसेंस, रेड फ्लोरोसेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज नॉट ट्रू अबाउट कैल्सिट्रायोल, ऑप्शंस हैं इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, इट इनहेंस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्सियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन्स, इट प्रिवेंट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्सियम एंड फॉस्फेट, इनहेंसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्सियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इट प्रिवेंट ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये कैल्सिट्रायोल के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डजंट अकर ड्यूरिंग स्टार्वेशन, क्रोनिक रीनल फेल्योर, वाउंड हीलिंग, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। इसका सही आंसर हो जाएगा वुंड हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट, ऑप्शंस हैं स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, लिपोलाइसिस, प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शंस हैं रिलीविंग वेस्कुलर स्मूथ मसल, मेडिटेटिंग माइक्रोबिसिडल एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, सर्विंग एज न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस, इंड्यूसेस प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसमें से कौन सा नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल नहीं है, तो ये नहीं इंड्यूस करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द प्रोटीन टॉक्सिन दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द इम्यूनोजेनेसिटी आर नोन एज, ऑप्शंस हैं सेरा, एंटी सेरा, टॉक्सोइड, वैक्सीन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉक्सोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रोल ट्यूब टेक्निक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ऑप्शंस हैं पोर प्लेट टेक्निक, द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक, स्प्रेड प्लेट टेक्निक। इसका सही आंसर हो जाएगा द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू इज रेजिस्टेंस टाइम, एलिमिनेशन टाइम रेट, गैस्ट्रिक इम्पटिंग रेट, परफ्यूजन रेट। तो इसे कहते हैं परफ्यूजन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेक वेल लेबल मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द कंटेनर्स ऑफ ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन, ऑक्यूसर्ट्स, ऑप्थैल्मिक सॉल्यूशन, ऑप्थैल्मिक जेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग्स इज कंसिडर्ड एज सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ऑप्शन हैं टीमोलोल एंड मेटोप्रोलोल, प्राजोसिन एंड टेराजोसिन, फॉर्मेट्रोल एंड लिवोबुटेरोल, जोहिम्बीन एंड कैरिनेथिन। तो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पीएम इंडिकेटर्स आर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो पीएम इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लीचिंग बाय इमर्सन ऑफ क्रूड मटेरियल इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज मैसरेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसे कहते हैं हम मैसरेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज एनाप्लेसिया, ऑप्शंस हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल अल्टरेशन और चेंजेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिजेंबलेंस टू नॉर्मल सेल्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमेटोक्रिट 65-70% इंडिकेट्स, ऑप्शंस हैं हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, हाइपोक्सिया, एनेमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया होता है एबनॉर्मली एलिवेटेड आरबीसी काउंट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और कल के जीपैट एग्जाम के लिए सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।